नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मुझे पता है ये आवाज़ सुनने के जो है आप सभी लोग आदि हो। सुबह 5 बजे राहुल सर की आवाज़ सुन के आपके सुबह जो है अच्छी होती है, मधुर होती है और अपने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो। मैं राहुल सर की जगह तो नहीं ले सकता हूं, पर मैं उनकी स्टाइल में आपके लिए करंट अफेयर लेके आ रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं करंट अफेयर की जो यादें हैं वो ताज़ा रखूं, राहुल सर को खुद भी याद रख सकूं और आपको भी याद दिलाता रह सकूं। सो आज आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, फौजी गेम को कौन भारतीय प्लेयर्स के लिए लेके आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, सलमान खान। इस क्वेश्चन के जवाब के विषय में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे आज की ताज़ा खबरें। और आज की ताज़ा खबरों में जो हमारी पहली खबर है वो पहली खबर है G20 फॉरेन मिनिस्ट्री मीट। G20 फॉरेन मिनिस्ट्री मीट के विषय में बात करेंगे। उसके पहले, जैसे कि आप राहुल सर को याद कर रहे हो, वैसे मैं भी राहुल सर को बहुत याद कर रहा हूँ। उनका ना होना जितना दुखद आपके लिए उतना दुखद मेरे लिए भी है, पर हर टीचर की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी होती है, खुद पढ़ाने का तरीका होता है। मुझे पता है कि राहुल सर जो है इस पूरे के पूरे जो करंट अफेयर को रीड करते हैं, फिर आपको उसके बाद ब्रीफ करते हैं। अब मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे प्रोत्साहन के लिए थोड़ा सा लाइक का बटन हिट कीजिएगा और मैं थोड़ा सा टारगेट रखूंगा। अगर 200 लोग लाइक का बटन हिट करते हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे एक थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं करंट अफेयर को कंटिन्यू करूंगा। और इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो चलिए आज की करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। ये G20 फॉरेन मिनिस्ट्री मीट है क्या? जी स्टैंड करता है ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल, और 20 स्टैंड क्या करता है, ये हम 2020 में चल रहे हैं तो ये 20 बेसिकली उसके लिए है। अगर हम 2019 में होते तो ये G19 होता, और अगर हम 21 में होते तो ये होता है G21। तो इसके विषय हम बात करेंगे। ये बेसिकली है क्या? ये है कि बहुत सारे देशों के जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक मीटिंग पे, वहाँ पे कुछ फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि इस जो मीट है इसको हेड किसने किया है? इसको हेड किया है सऊदी अरबिया ने। और आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो एग्जाम में बनता है कि G20 फॉरेन जो मिनिस्ट्री मीट हुई थी इसको हेड किसने किया था? बेसिकली ये किया था सऊदी अरबिया ने। तो इसमें हुआ क्या था? ये एक बेसिकली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ था कि कोविड-19 की महामारी को लेके होता क्या है कि जब हम एक देश में रहते हैं और दूसरे देश में रहते हैं तो कुछ लोग हमारे देश में रहते हैं और कुछ हमारे नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं। तो इस मीटिंग में ये बात हुई थी कि जो बंदे हमारे आपके देश में हैं और जो बंदे आपके हमारे देश में हैं उनके कल्याण के लिए हमें काम करना होगा। तो बेसिकली इसमें सिर्फ यही है कि जो हमारी विदेश मंत्री है उन्होंने इस मीटिंग में प्रस्ताव रखा था, ये बात रखा था कि हमें क्या काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ट्रेवल बबल को मजबूत करना है। ट्रेवल बबल का मतलब ये होता है, बबल मतलब गुब्बारा, इसको और मजबूत करना है कि जो हम ट्रेवल करते हैं यहाँ से हम दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, तो जो लोग हमारे पास हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम हम करेंगे, जो लोग आपके देश में हैं उसकी सुरक्षा का इंतजाम आप लोग करेंगे। तो ये बेसिकली जो है इस मीटिंग का जो है मेन मुद्दा रहा है, जिसमें डिस्कशन में रहा हुआ है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना है कि जो भारतीय मिनिस्ट्री है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है, वो नीचे आपको लिखना है सिंपली कमेंट सेक्शन में। इससे आपका पार्टिसिपेशन आज के करंट अफेयर में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझना है कि ये एक मैं समरी बता रहा हूँ। समरी में क्या है, इस मीटिंग हुई, मीटिंग में ये सुनिश्चित किया गया हुआ है कि जो लोग जो है भारत से बाहर गए हैं टूरिस्ट के फॉर्म में, जो लोग देश भ्रमण करने के लिए गए हैं, जिस देश में गए हैं उस देश वाले जो है हमारे नागरिकों का ख्याल रखेंगे, और जो बाहर से हमारे देश में आए हैं हम उनका ख्याल रखेंगे। जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिंपली ये बन सकता है कि G20 फॉरेन मिनिस्ट्री जो मीट हुई थी इसको हेड किसने किया था? इसने हेड किया था सऊदी अरबिया ने। सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इसमें कोविड-19 की महामारी को लेकर मेन मुद्दा छिड़ा हुआ था। इसके बाद आज का जो है अगला खबर देखने की कोशिश करेंगे हम। अगला खबर है कनाडियन स्पेस एजेंसी को लेके। यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ड्रास्टिक चेंज इस वजह से मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि आज से पहले इसको प्रेसिडेंट बोले तो प्रेसिडेंट का हिंदी मतलब होता है राष्ट्रपति, और ये वो प्रेसिडेंट नहीं है जो हम ये समझते हैं कि देश का राष्ट्रपति। ये एक एजेंसी है, एजेंसी का जो हेड होता है उसमें कई सारे पोस्ट होते हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है। इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं और हिंदी में प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति बोलते हैं। तो यहाँ पे आप वो राष्ट्रपति वाला फीलिंग मत डालिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझिएगा कि जो कनाडियन स्पेस एजेंसी है इसको हेड करने की बात हो रही है, कौन टॉप पे है।
तो इसको लीड कर किया गया था आज तक किसी ना किसी महापुरुष ने, कभी महिला महापुरुष ने नहीं किया था, महिला लेडी ने नहीं किया था। महापुरुष हम हमेशा मैन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वुमेन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक चीज जो है 31 साल में पहली बार चेंज किया गया है कि इस बार जो है कनाडियन स्पेस एजेंसी को एक लेडी जो है लीड कर रही है। इस लेडी का नाम आपको याद रखना है, फेस देखिए ये है, ये फेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनका नाम है लिसा कैंपबेल, लिसा कैंपबेल, और कनाडियन स्पेस एजेंसी को शॉर्ट फॉर्म में CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSA बोलते हैं। देखिए एक बात और समझिए कि जो मैं करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये जो चीज है PPT आपको मिल जाएगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूं करंट अफेयर से रिलेटेड। अब एक बात ये समझिए कि जो इन्होंने जगह लिया, इसके पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे सिल्वेन लापोटो। ये इनको क्या है, इनको रिप्लेस करके ये लिसा कैंपबेल। ये न्यूज मेन न्यूज क्यों है, क्योंकि ये पहली महिला है। आज तक जितने लोग भी इसके हेड बने, इसके प्रेसिडेंट बने, वो सारे के सारे मैन रहे हैं, पहली महिला है जिन्होंने इसको हेड किया है। इसके पहले जो मेल थे वो थे सिल्वेन लापोटो, ये उनका स्थान लेने वाली है। ये 2015 से जो सिल्वेन लापोटो थे 2015 से अब तक CSA को लीड कर रहे थे। CSA की स्थापना 1989 में हुई थी। ये क्या करती है, नागरिक अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करती है। नागरिक अंतरिक्ष संबंधी मतलब जो नागरिक अंतरिक्ष से रिलेटेड चीजों का काम करते हैं, उनसे रिलेटेड चीजों की जांच पड़ताल और उनका सारा का सारा काम देखती है। इसके विषय में एक खास बात क्या है कि इसका जो मुख्यालय है क्यूबेक में है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्यूबेक में है। सबसे बड़ी बात है लिसा कैंपबेल कहाँ की रहने वाली है, सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली, कनाडा में सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली है। ये बात आप याद रख सकते हो, सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली है। CSA एक और काम करती है जो हमारी नासा है, नासा एक स्पेस एजेंसी है, आपको पता है ना। ये उसके वेब स्पेस टेलीस्कोप में फाइन, याद रखिएगा, फाइन गाइडेंस सेंसर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए कि फाइन गाइडेंस सेंसर क्या होता है। फाइन गाइडेंस, फाइन मतलब बहुत सूक्ष्म, गाइडेंस गाइड करने वाली, सेंसर का काम करती है कि ये बहुत बहुत सूक्ष्म चीजों को जो है गाइड करने का जो सेंसर होता है उसको, उसके उससे रिलेटेड नासा के लिए काम करती है। तो ये स्पेशल बातचीत है। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, वो यही पूछा जा सकता है, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है, लिसा कैंपबेल है, कहाँ की रहने वाली है, सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली है, किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, इन्होंने सिल्वेन लापोटो को जो है इनका स्थान लिया हुआ है। 2015 से सिल्वेन लापोटो जो है इसके जो है प्रेसिडेंट बने हुए थे। इसके बाद आज के आगे के करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं, और आगे के करंट अफेयर में हम बात करते हैं डैन ब्रावो। जैसे ही मैं डैन ब्रावो का नाम याद करता हूं, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं और मुझे याद आता है चैंपियन चैंपियन, ब्रावो इज द चैंपियन, गेल इज द चैंपियन, सचिन इज द चैंपियन, युवराज इज द चैंपियन। ये गाना आपने सुना होगा यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जो है ये गाना चुना होगा। इनको क्या है, इनको अम्बेसडर चुना गया है। इनको अम्बेसडर किसका चुना हुआ है, SBO टॉप की। और सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये SBO टॉप क्या है, या ब्रावो के विषय में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। SBO टॉप बेसिकली जो है ये क्या है, एक गेमिंग एजेंसी है, एक गेमिंग एजेंसी है। जैसे कि आपने हमारे इधर MPL चुन रखा है, हमारे इधर ड्रीम 11 चुन रखा है, उसी तरीके से SBO टॉप एक गेमिंग एजेंसी है जो अलग अलग तरीके के सेगमेंट में गेम कराती है। उसके ब्रांड एम्बेसडर की तरह डैन ब्रावो को चुना गया है। डैन ब्रावो के विषय में अगर कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना है, तो इन्होंने 256 टेस्ट जो है खेले हैं, 120 वनडे खेले हैं, और अनगिनत आप T20 मान सकते हो। और ये एक ऑलराउंडर हैं, और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो डैन ब्रावो का नाम IPL से लेके, वनडे से लेके, T20 से लेके, टेस्ट मैच तक सभी लोग जानते हो। और इनका एक गाना बहुत फेमस हुआ है, साथ में एक सिंगर भी हैं, और इन्होंने चैंपियन चैंपियन इज द चैंपियन, ब्रावो इज द चैंपियन, गेल इज द चैंपियन, युवराज इज द चैंपियन, सचिन इज द चैंपियन, इस तरीके का एक गाना जो है कंपाइल किया हुआ था। और मेरा मानना है ये म्यूजिक बहुत फेमस हुआ था, और लिटरली जब भी आप यूट्यूब पे इसे सर्च करेंगे आपको मजा आएगा सुन के। एक बार सुनिएगा, ये क्रिकेट के लगभग सभी फॉर्मेट में खेल चुके हैं। ये गेम इन्होंने T20 में खेला है, वनडे में खेला है, और टेस्ट मैच में खेला है, और बहुत पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं। और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो इनका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग इनका नाम जानते हो। आज के अगले करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं, और ये है जर्मनी के विषय में। जर्मनी ने क्या किया है, इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी
जो है ये जो है की रोल जो है इसमें इंडिया को दिया है, इससे रिलेटेड एक क्या किया है, एक इंडो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर्म किया है। इसमें खास बात क्या है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, ये देखो ये इंडिया है, इंडिया में जैसे ये जाएंगे ये गुजरात है, ये आगे जाके ये और नक्शा में ऊपर बना दो, फिर इधर से आता है इधर से, और ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे आता है, ये आपका पूरा का पूरा पैसिफिक रीजन आता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉर्म की गई है, और इसमें क्या है, एक बात है जर्मनी को जानने की जरूरत है, आपका जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ में कई सारे देश आते हैं जिसको हेड करता है जर्मनी, क्या करता है, जिसको हेड करता है जर्मनी, इसने एक रणनीति लॉन्च किया भारत के साथ मिलके। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी जो व्यवहार होता है उसको मॉनिटर करने के लिए, जो भी उसका अप्रत्यक्ष संदर्भ होता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक रणनीति जो है क्या किया है, ये रणनीति लॉन्च की है जर्मनी ने, क्या है, बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सुझाव दिया है। ये बेसिकली इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और समुद्र बेसिकली ये है क्या, समुद्र में जो हमारी गतिविधियां होती है उसकी सुरक्षा से रिलेटेड जो है चीज़ों की जानकारी को लेके ये स्ट्रेटजी फॉर्म की गई है कि इंडिया को एक स्पेसिफिक चीज़ों को जो है मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अभी आपको पता है कि चाइना से रिलेटेड जो है बहुत सारा मुद्दा गरमाया हुआ है, कई सारे ऐप बन हुए हैं, और इंडिया और चीन का मुद्दा गरम है कि ये हो रहा है कि अब लड़ाई हो सकती है। लड़ाई जो है बहुत लास्ट मुद्दा होता है। इस चीज़ को लेके जर्मनी और इंडिया के बीच में एक मीट हुआ है, उसमें एक समझौता हुआ है जो कि हमारे पैसिफिक रीजन में हुआ है, कि पैसिफिक रीजन में कोई भी अगर गतिविधि होती है तो इंडिया उसको लेके थोड़ा स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकता है। तो बेसिकली इसमें जो है जो जानने वाली चीज़ है कि जर्मनी का मेजर स्टेप रहा हुआ है, ये यूरोपीय संघ का मेन अध्यक्ष है, बहुत सारी कंट्री आती है उस कंट्री में जो लीड रोल प्ले करता है, कई सारी कंट्री आती है, यूरोपीय संघ एक संघ बनाया गया है जिसमें जर्मनी का मेन लीड रोल है। तो बस इतना सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, इसके बाद अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च अंडर पीएम बीजेपी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पीएम बीजेपी है ये बीजेपी वाला बीजेपी नहीं है, ये बीजेपी अलग सा है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा पेन ले लूँ। ये जो पीएम बीजेपी है, ये पीएम फॉर प्रधानमंत्री तो है, प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में प्रधानमंत्री बोल सकते हो। ये बीजेपी जो है वो है भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, इसके तहत 8 प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है, ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये बाजार मूल्य से सस्ते प्राइस पे लॉन्च किए गए हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि COVID-19 से फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी पहल है, और ये पीएम बीजेपी योजना के तहत लॉन्च किया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पीएम बीजेपी, बीजेपी ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, यह है भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके तहत 8 इम्यूनिटी बूस्टर्स लॉन्च किए गए हैं, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको देश भर में बेचा जाएगा, और ये 8 नए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है बाजार मूल्य से कम प्राइस पर लॉन्च किए गए हैं। एक बात और जानिएगा, ये पीएम बीजेपी इसके विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। यह है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2016 में इसका नाम बदला गया था, पहले इसका नाम था जन औषधि योजना, बाद में इसको प्रधानमंत्री के नाम से रखा गया था, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके पहले 2016 तक ये जाना जाता था जन औषधि योजना। तो बड़ा सवाल यह है कि इसका निर्माण कब किया गया था, इसका निर्माण किया गया था नवंबर 2018 में, जो कि जन औषधि जो है योजना के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। और ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई, इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत यह पंजीकृत किया गया था पीएम बीजेपी, या इसके पहले सिंपली 2016 में जन औषधि योजना। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 8 इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किए गए हैं। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है पीएम बीजेपी के तहत कितने जो है इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किए गए थे, 8 इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किए गए थे। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है कि पीएम बीजेपी का नाम कब बदला गया, 2016 में बदला गया, जन औषधि योजना से बदला गया, और पीएम बीजेपी का जो इनिशियल जो है इनिशियल्स था कि कब इसको जो है बनाया गया, ये नवंबर 2008 में बनाया गया है,
और BPPI के तहत इसे बनाया गया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आज के न्यूज़ में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और अक्षय कुमार ने क्या किया, अनाउंस किया गया है एक फौजी गेम अनाउंस किया गया है अक्षय कुमार के द्वारा। और बेसिकली अक्षय कुमार क्या चाहते थे कि आप में से और हम में से बहुत सारे लोग पबजी के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं और आपको पता है सरकार ने पबजी को बैन किया है, तो अक्षय कुमार आपने सुना होगा कि हमेशा हमारे देश के लिए हमारे सैनिकों के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे दान किए हैं। इस वक्त उन्होंने एक कदम उठाने की कोशिश की है और ये कदम क्या है कि उन्होंने एक गेम लॉन्च किया है और वो फौजी के नाम से लॉन्च किया है। और फौजी ये एक मल्टीप्लेयर गेम है, इसमें क्या है ये गेमिंग काम है, मतलब जब भी आप गेम खेलेंगे तो इसमें हमारे फौजी भाई दुश्मनों को मारते हुए दिखाई देंगे। क्या करते हुए दिखाई देंगे? दुश्मनों को मारते हुए दिखाई देंगे। और एक चीज़ आपको समझना है टेक्निकली कि जब भी हम गेम खेलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे एड्स आते हैं और उस एड से एक रेवेन्यू जनरेट होती है। और अक्षय कुमार जी ने अनाउंस किया हुआ है कि इसका जो 20% हिस्सा है भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। भारत के वीर ट्रस्ट में जाने का मतलब ये है कि हमारे सरकार को जाएगा, सरकार से वापस से सैनिकों को मिलेगा। और आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी ईमानदार है और हमारा डोनेट किया हुआ पैसा कितनी ईमानदारी से सैनिकों के बीच में पहुंचता है। आगे मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि अक्षय कुमार जी का जो पहल है वो कितना अच्छा पहल है। इसके कुछ टेक्निकल पहलू हैं, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि अक्षय कुमार जी हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं या वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो इसके तहत फौजी जो अपना खुद का जो है एक गेम है उस गेम को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, वो पबजी को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसके प्रोस निकाले और बहुत सारे बच्चे इसके कॉन्स निकाले, अगर आप निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि आपका ब्रेन कितना एक्टिव है और किस तरीके से आप सोचते हैं। मेरे पास अक्षय कुमार जी के लिए दो पहलू है, एक ये पहलू है कि ये 20% डोनेट कर रहे हैं, ये हमारे देश के हित में है, और दूसरा ये पहलू है कि ये हमारे फौजी भाइयों के नाम पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरा ये हमारे फौजी भाइयों के नाम पे 20% जो है गवर्नमेंट को दे के पॉपुलरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके का नया इनोवेटिव बिजनेस मॉडल इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि पबजी को रिप्लेस करके फौजी आ सके। मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा देश से मेरा जो है अक्षय कुमार जी के साथ कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं क्रिटिकल हूँ तो कई सारे क्वेश्चन मार्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये करंट अफेयर का हिस्सा नहीं है, ये पर्सनल हिस्सा है, कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करूंगा। अगली न्यूज़ है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रिलेटेड, और ये न्यूज़ क्या है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, 10 लोगों का एक पैनल जो है ये फॉर्म किया है। ये पैनल इसलिए फॉर्म किया है ताकि स्टेट में बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है इसको कंजर्व किया जा सके, इसको प्रिजर्व किया जा सके। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग तरीके के स्पीसीज़ हमारे प्लानेट अर्थ पे पाए जाते हैं, इसी तरीके से किसी देश में पाए जाते हैं, इसी तरीके से किसी स्टेट में पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकती है, नेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, कम से कम में अपने स्टेट को तो कंट्रोल कर सकती है। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि चलो हम अपने स्टेट की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यही हुआ कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ हमारे प्लैनेट पे पाए जाते हैं, हमारे नेशन में पाए जाते हैं, वर्ल्ड में पाए जाते हैं और स्टेट में पाए जाते हैं, उसके बैलेंस से हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहेगा। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए 10 लोगों की एक समिति बनाई गई, एक पैनल बनाया गया। 10 लोगों की समिति जो बनाई गई है इसमें से 5 सरकारी 5 गैर सरकारी, जो 5 गैर सरकारी हैं इनमें से सभी लोगों का जो कार्यकाल होने वाला है वो 3 सालों का है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस पैनल को हेड कौन करने वाला है, ये राज्य के जो वन के संरक्षक होते हैं उसके महासंरक्षक होते हैं, उसके प्रधान महावन संरक्षक होते हैं, तो कई लेयर के अध्यक्ष जो बनते हैं। अब एक संरक्षक हुआ, एक वन संरक्षक हुआ, एक प्रधान वन संरक्षक हुआ, एक महा प्रधान वन संरक्षक हुआ, ये जो बंदा है ये बंदा इसको हेड करने वाला है। इसके अंदर एक और पोस्ट क्रिएट की गई है, सचिव की पोस्ट क्रिएट की गई है, और हर स्टेट का अपना एक वन अनुसंधान संस्थान होता है जो वन संरक्षण का खास करके ख्याल रखता है। उसके जो निदेशक होते हैं, निदेशक का इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है डायरेक्टर। इसके जो डायरेक्टर होते हैं उसको यहाँ पे क्या काम किया गया है, सचिव का रोल दिया गया है।
ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके हेड का रोल इंपॉर्टेंट है। ये इनको दिया गया है। इसी के तहत एक कोष का निर्माण किया गया है। इस कोष का जो नाम रखा गया है, इस कोष का नाम रखा हुआ है जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष। इस कोष को क्रिएट क्यों किया गया है आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। अब ये आपका एक कोष क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट इसके अंदर पैसे डालेगी और ये पैनल इससे पैसे निकालेगी और बायोडायवर्सिटी को इंश्योर करेगी कि ये प्रिजर्व रहे। और इस कोष का जो नाम है, ये जो नाम है जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष है। और आज के अगले न्यूज़ पे मूव करेंगे अपन लोग। ये है पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड और बहुत छोटा सा न्यूज़ है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, रोल आउट किया है। इसका नाम क्या है? आई रखवाली ऐप। आई रखवाली ऐप बेसिकली क्या काम करने वाली है? अब इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया है। ये आई रखवाली ऐप जो है हमको प्ले स्टोर पर मिलेगा। जब ये प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करेंगे तो हमको वातावरण से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी कि हम किस तरीके से पेड़ लगाएं, किस तरीके से पौधा लगाएं, किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखें। तो बेसिकली इस ऐप का जो मेन रोल है वो ये रोल है कि पंजाब सरकार ये चाहती है कि उसके स्टेट के जितने भी नागरिक हैं वो पंजाब के वातावरण को सुरक्षित रखें। और सुरक्षित हम तभी रख सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो। तो आई रखवाली ऐप के अंतर्गत पर्यावरण से रिलेटेड लगभग सभी तरीके के इन्फॉर्मेशन डाले गए हैं कि कैसे पेड़ लगाया जाता है, पेड़ को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है। तो बेसिक जो रोल था पंजाब गवर्नमेंट का इस ऐप को लॉन्च करने का वो ये था कि पंजाब गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सभी नागरिक जो है वो सारे के सारे इस ऐप को डाउनलोड करें और पर्यावरण से रिलेटेड नॉलेज को अपने अंदर जो है डालें और पंजाब गवर्नमेंट के आने वाले सब क्षेत्रों में पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखें। तो आई रखवाली ये ऐप का नाम है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगले न्यूज की तरफ हम मूव करेंगे। ये न्यूज है असम असेंबली से रिलेटेड। असम असेंबली ने क्या काम किया है अपने मानसून सत्र में, सत्र उनका खत्म हो रहा था उसके साथ उन्होंने एक क्या काम किया, एक बिल पास किया, एक विधेयक पास किया है। और ये विधेयक क्या है, ये है जो उनकी हेरिटेज साइट्स है, हेरिटेज जितनी भी साइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल पास किया है। और ये हेरिटेज साइट जितनी भी 75 साल से पुरानी जो साइट्स हैं उन सभी साइट्स को संरक्षित करने की योजना बनाई गई है इस बिल के अंदर। अब इस बिल के अंदर है क्या क्या, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, मैं जनरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 75 साल से पुरानी बिल्डिंग हो गई, अब ये जीड़ सीड़ हो गई है, ठीक है, ये मर रही है, ये डेड हो रही है। तो इसको क्या काम करेगी इस बिल के तहत जो है असम गवर्नमेंट, इसको इसका दोबारा विनिर्माण करेगी और इसको उसी रूप में ढालेगी जिस रूप में पुराने समय से बनी हुई है। तो इसके रक्षा की, संरक्षण की और अगर कोई खराब हो गई है तो उसके पुनर्स्थापना का काम करेगी असम गवर्नमेंट इस बिल के अंदर। यही सारी चीजें पास की गई है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, असम के जो मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल है। ये चीज आपको याद रखने वाली चीज है, आपके किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, सर्वानंद सोनोवाल है। अब भाई ये सुरक्षा जो है धरोहर, असम धरोहर सुरक्षा संरक्षण परीक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 ये इन्होंने पारित किया हुआ है। बेसिकली क्या है, ये 1985 में एक समझौता हुआ था उसका एक खंड 6 है, उसको लागू करना चाहते थे। उसके लागू करने के मुहिम में उन्होंने एक नया स्टेप ये उठाया हुआ है। 1985 में ही एक खंड 6 विधेयक पारित किया गया था, उसमें ये मेंशन किया गया था कि भाई साहब कि जो पुरानी धरोहर हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा। 1985 से लेके अभी तक सारी की सारी चीज़ें की नहीं जा सकी, लेकिन अब जाके 2020 में असम गवर्नमेंट ने उनके मुख्यमंत्री ने इसमें एक नया इनिशिएटिव लिया है, इस विधेयक को पारित किया है कि जो पुरानी 75 साल से पुरानी इमारतें हैं उनको हम प्रिजर्व करेंगे। इसके अंतर्गत जो हम संग्रहालय जो इमारतें हम प्रिजर्व कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इमारत की बिल्डिंग के साथ साथ सिक्के, मूर्तियां, पांडुलिपि, पुरालेख, कला और शिल्प कौशल और किसी भी तरीके की छोटी मोटी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी प्रिजर्व की जा सकेगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसमें
75 साल से पुरानी जितनी भी चीज़ें अस्तित्व में है, मतलब आज की डेट में दिखाई दे रही है, जो ख़त्म हो गई उनको नहीं लेना है, जो अस्तित्व में है उनकी बात की जा रही है। इसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये असम ने, ध्यान रखिएगा, ये असम ने इनिशिएटिव लिया है। तो असम में कई सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती है जो 75 साल से पुरानी है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय महत्व को लेके बता दिया कि भाई ये फला चीज़ राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषित है। तो उन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो राष्ट्रहित के लिए जो धरोहर, जो इमारत, ये बोल दिया गया कि ये इमारत राष्ट्रहित के लिए प्रिजर्व की गई है, उसको इस विधेयक के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि जिस चीज़ को संसद ने राष्ट्रीय महत्व का जो है रूप दे दिया है, उसको इस बिल के तहत हटा दिया गया है। और एक और चीज़ है कि असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम एक 1959 पारित किया गया था, इसके तहत जिन जिन इमारतों को कवर किया गया था उसको भी इस विधेयक के तहत एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिया गया है। दो चीज़ें हैं जिसको शामिल नहीं किया गया, एक तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सी फॉर सेंट्रल जी फॉर गवर्नमेंट, अगर इसने किसी को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है उसको भी हटा दिया गया है। और दूसरा, अगर 1959 के तहत ये एक विधेयक पारित किया गया असम में, असम प्राचीन स्मारक और अभिलेख अधिनियम ये नाम दिया गया था, इसके अधीन जो इमारतें आती हैं उनको भी छोड़ दिया गया है। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा सिंपल से, कि कौन से स्टेट ने पुरानी इमारतों को प्रिजर्व करने के लिए बिल पारित किया है, वो है असम ने बिल पारित किया है। इसके बाद अगले न्यूज की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला न्यूज है आयुष्मान खुराना से रिलेटेड। जब भी आयुष्मान खुराना का नाम सुनाई देता है तो हमें इनके बहुत सारे गाने याद आते हैं, और मुझे स्पेशली इनकी पहली मूवी जो मैंने देखी थी विकी डोनर, वो याद आता है। भाई साहब क्या लाजवाब एक्टिंग किया इन्होंने, और इनका फेस यार क्या स्माइल करता हुआ फेस मिलता है, लिटरली मज़ा आ जाएगा आपको। इनके विषय में क्या इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बजाज अलियंस लाइफ का। अब जब हम किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं तो एक्टर का काम क्या होता है, एक्टर का काम होता है ब्रांड को प्रमोट करना, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करना, इनका फेस रख के कंपनी चीज़ों को प्रमोट करती है। और ये किस तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, तीन तरीके के प्रोडक्ट हैं जो प्रमोट करने वाले हैं, एक है स्मार्ट लिविंग, दूसरा है स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, और तीसरा है स्मार्ट असिस्ट। ये तीन तरीके का प्रोडक्ट है जो ये प्रमोट करते हुए आपको नज़र आएंगे बजाज अलियंस लाइफ की तरफ से। अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क को रिलेटेड। ये असम में स्थापित है, इससे रिलेटेड और चीज़ों की बात करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। देखो इस न्यूज़ से रिलेटेड एक बात यह है कि अभी तक जो इसका एरिया था 884 किलोमीटर स्क्वायर था, ये वर्ग जो है किलोमीटर होता है, तो 88 किलोमीटर स्क्वायर था। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, इसी चीज़ को जो है असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि जो एरिया है वो थोड़ा कम पड़ रहा था, हमें थोड़ा एरिया और बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, 30.53 किलोमीटर थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क के विषय में कई सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। सो सबसे बड़ी बात क्या है कि 1985 में, कब 1985 में, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पार्क को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दिया गया था इसको। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विश्व की, ध्यान रखिएगा, विश्व की 2/3 महान एक सिंग वाले गेंडे का घर बोलते हैं इसे, 2/3 महान एक सिंग वाले गेंडे का घर बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। असम का जो काजीरंगा पार्क है वो विश्व का 2/3 एक सिंग वाले गेंडे का घर है। इसके बाद अगले सेक्शन की तरफ मूव करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूज़ फटाफट। और 5 सितंबर को जो है हमारा टीचर्स डे था, टीचर्स डे जो मनाया जाता है भारत में, वो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेके, उनकी जयंती पे मनाया जाता है। यह 1962 के बाद हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे।
एक बात और समझना पड़ेगा कि आपको विश्व में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत में 5 सितंबर को और विश्व में 5 अक्टूबर को ये चीज मनाई जाती है। इसके बाद न्यूज फटाफट में अगले न्यूज की तरफ चलेंगे। 5 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाई जाती है। बेसिकली ये फिगर देख रहे हैं, ये है मदर टेरेसा का और इनकी जयंती पे ये चीज़ मनाई जाती है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इनके विषय में लेंगे न्यूज़ फटाफट में कि 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाई जाती है इनके मृत्यु के प्रतीक के रूप में। 1979 में इनको एक नोबल पुरस्कार मिला था गरीबी पर काम करने के लिए, और मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था, एग्नेस और आगे का नाम है गोक्सा बोजा किस्यू के रूप में हुआ था, और 1928 में ये भारत आ गई थी। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता का क्रम इन्होंने शुरू किया हुआ था, और 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 5 सितंबर को बेसिकली जो है इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाए जाने का प्रावधान किया था। तब से हम 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाते हैं। हम अपने अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा वन लाइनर। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की थी? तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है, जर्मनी ने लॉन्च की थी। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की थी? जम्मू एंड कश्मीर ने की थी, बहुत समझदार थे। किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? असम ने किया हुआ है। किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के लिए और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च की है? पंजाब ने लॉन्च की है। पबजी गेम को कौन भारतीय प्लेयर्स के लिए लेके आ रहा है? ये अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं। डेविन ब्रावो SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। वो किस देश के क्रिकेट आइकन है? तो बेसिकली सभी को पता है वो वेस्ट इंडीज के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पार्ट की, बजाज आलियंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना के तहत 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया गया है। कौन कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला राष्ट्रपति बनने वाली है? लिसा कैंपबेल बनने वाली हैं। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया है? 30.53 वर्ग किलोमीटर जोड़ा गया है। किसकी जयंती पर हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की गई थी? ये है आपकी सऊदी अरबिया। हम आज के अपने अगले सेक्शन पर मूव करते हैं और ये है हमारा जो है MCQ में हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो हमने तीनों का नाम सुना ही नहीं आज की क्लास में। जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? झारखंड, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमने सिर्फ आज की क्लास में असम का नाम सुना हुआ है, बाकी तीन का नाम सुना हुआ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? इटली, पोलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी ने लॉन्च की है। इसके बाद अगर हम बात करें आज के अगले MCQ की, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है हमारे पंजाब ने। और इसके बाद अगर बात करें हम अगले MCQ की, फौजी गेम की जैसे बात आती है, फौजी गेम को कौन भारतीय प्लेयर्स के लिए लेके आ रहा है? तो अक्षय कुमार इसको लेके आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, ये हमारे डेविन ब्रावो SBO टॉप स्पोर्ट्स ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। वो किस देश के क्रिकेट आइकन है? बेसिकली ये वेस्ट इंडीज के हैं। आप में से जो लोग जो है क्रिकेट देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इनका नाम बहुत फेमस है। इसके बाद है बजाज आलियंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया है, इनका नाम कोई भूल ही नहीं सकता है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय औषधि जन औषधि परियोजना के तहत कितना प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पादों को लॉन्च किया गया है? तो 8 को लॉन्च किया गया है, 8 प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जो है उत्पादों को लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन कैनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो लिसा कैंपबेल बनी हुई है, ये आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 884 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा गया है, तो 30.53 ध्यान रखिएगा 30.53 वर्ग किलोमीटर जोड़ा गया है।
इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, किस जयंती पर हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती है, ये आपकी डॉक्टर राधा कृष्णन की है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है, तो ये आपकी सऊदी अरबिया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर पसंद आया हो। अगर करंट अफेयर पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन हिट कीजिएगा, और हर रोज़ मैं इसी तरीके आपके लिए करंट अफेयर लाता रहूँगा।